जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2021 के आखिरी सूर्य ग्रहण यानी इस साल के दूसरे सूर्य ग्रहण के बारे में और जानेंगे इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कब लगेगा कहाँ दिखाई देगा और सूर्य ग्रहण का सूतक काल क्या होगा ग्रहों की स्थिति क्या होगी और किस राशि में सूर्य ग्रहण लगेगा क्या सावधानियां रखनी होंगी जानेंगे सभी बातों के बारे में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ दोस्तों इस साल का पहला सूर्य ग्रहण दस जून दो को लग चुका है और वहीं दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण इस साल चार दिसंबर को लगने वाला है उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि होगी और बड़ी बात यह है कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान दो बड़े ग्रह अस्त रहेंगे यानी इस दिन चंद्रमा और बुध दोनों ग्रह अस्त रहेंगे वहीं राहु और केतु वक्री रहेंगे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का भी सभी राशियों पर प्रभाव देखने को मिलेगा वैसे तो संस्कृति के हिसाब से सनातन धर्म के हिसाब से या ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण की स्थिति को अशुभ घटना के रूप में माना जाता है इस दौरान शुभ कार्यों को करना पूजा करना आदि अशुभ माना जाता है यानी इस दौरान इन कार्यों को करने की मना ही होती है और ग्रहण के समय मंदिरों के कपाटों को भी बंद कर दिया जाता है और ज्योतिष के अनुसार पूर्ण ग्रहण होने पर ही सूतक काल मान्य होता है वही इस साल 4 दिसंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण उपछाया ग्रहण होगा इसलिए इसमें सूतक काल मान्य नहीं होगा और इसके चलते ग्रहण वाले दिन सूतक नियमों का पालन करना भी अनिवार्य नहीं होगा और यह चंद्र ग्रहण यानी साल का आखिरी सूर्य ग्रहण अटलांटिका, दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में दिखाई पड़ेगा भारत में इस सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा सूर्य ग्रहण के समय अन्य ग्रहों की स्थिति को भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ग्रहों की स्थिति से आपके ऊपर ग्रहण का असर क्या होगा उसकी सही जानकारी ग्रहों की स्थिति ही बताती है सूर्य ग्रहण के ठीक एक दिन बाद यानी 5 दिसंबर 2021 को मंगल ग्रह का वृश्चिक राशि में गोचर होगा यानी मंगल देव का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा इस दिन बुद्ध और चंद्रमा स्त्र रहेंगे जबकि राहु और केतु वक्री रहेंगे और इस दौरान राहु वृषभ राशि में विराजमान होंगे मंगल तुला में विराजमान होंगे शुक्र देव धनु राशि में विराजमान होंगे और सनी देव मकर राशि में होंगे गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में होंगे और चार ग्रह वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे यानी सूर्य बुद्ध चंद्रमा और केतु वृश्चिक राशि में चतुर्ग्रही योग का निर्माण होंगे जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो एक ही घर में चार ग्रह मौजूद होंगे और वृश्चिक राशि में चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा और इस दिन सूर्य और बुद्ध भी एक घर में विराजमान होंगे जिससे बुद्धादित्य योग का निर्माण होगा केतु और चंद्रमा से ग्रहण को ग्रहण का योग भी बनेगा और सूर्य ग्रहण के समय कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए विशेषकर गर्भवती महिलाओं को तेज धार वाली चीजें का इस्तेमाल करने की मनाही होती है और खान पीन भी इस समय नहीं करना चाहिए और इस दौरान नकारात्मक ना, ना सोचें नकारात्मक गतिविधि ना करें और ग्रहण के दौरान सूर्य को भी ना देखें खाने पानी की चीजों में ग्रहण शुरू होने से पहले ही तुलसी के पत्ते डालकर रख दें और ग्रहण के पश्चात दान पुण्य अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अवश्य करें तो दोस्तों ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब शेयर व लाइक अवश्य करें जय माता दी दोस्तों